एवरीवन, हमारा जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नाम है प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड टू वुमेन इन हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी राइट्स में वुमेन को क्या क्या मिला हुआ है उसके बारे में आज बात करते हैं। जो राइट्स हैं हिंदू वुमेन के, वो प्रॉपर्टी को लेके बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं। शुरू में अगर हम प्री वैदिक पीरियड की बात करें तो प्री वैदिक पीरियड में वुमेन को बहुत ही अच्छा स्टेटस मिलता था, उसको अधिकार मिलते थे, उसको एडुकेशन मिलता था, हेल्थ का ध्यान रखा जाता था, उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिलती थी, साथ ही साथ उसको पार्टनर चूज करने का राइट सब कुछ मिलता था और बहुत ही डिग्निफाइड लाइफ जीती थी जो वुमेन है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है औरतों के साथ बहुत ही चीज़ें चेंज हो गई। अगर हम पोस्ट वैदिक पे जाएं तो पोस्ट वैदिक पीरियड में जो वुमेन का स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ, मेडिवल पीरियड में और ज़्यादा खराब हुआ, डिटीरेट हुआ। अब थोड़ा सा अमेंडमेंट्स होने की वजह से, लॉ में चेंजेस होने की वजह से फिर से चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हम पढ़ते हैं, इन एंशियंट टाइम्स वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मैन। पहले तो उनको बराबर समझा ही नहीं जाता था, उनके राइट्स जो थे वो इक्वल नहीं थे, उनको मेल्स के बहुत ही डाउन समझा जाता था, इनफैक्ट उनको बर्डन समझते थे। वुमेन की जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल हमने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, तो मिताक्षरा स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा वुमेन के राइट्स रिस्ट्रिक्टेड थे प्रॉपर्टी को लेके। खाली एक पूरी इंडिया में ईस्ट साइड को छोड़ के वुमेन को कोपार्सनरी राइट्स भी नहीं मिलते थे। जो विडो होती थी डिसीज्ड कोपार्सनर की, उसका भी जो प्रॉपर्टी है वो सारा उसके भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, उसकी विधवा को नहीं मिलता था। और इसके अलावा अगर हम दयाभागा स्कूल की बात करें, ऑन द अदर हैंड इन ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, तो वहाँ ये जो राइट्स है वुमेन को लेके बहुत लीनियंट थे। वो वुमेन को हेड ऑफ द फैमिली ट्रीट करते थे और साथ ही साथ उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलते थे, उनको कोपार्सनरी राइट्स भी मिलते थे। बट जब से 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है उसके बाद से वुमेन का स्टेटस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, उनको कोपार्सनरी राइट्स मिले हैं, उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी में अपना अधिकार मिलता है। इट रिकॉग्नाइजेस वुमेन्स राइट इन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होता है, चाहे वो उसके हस्बैंड का हो, डिसीज्ड हस्बैंड का, या उसके फादर की प्रॉपर्टी हो, उसको हर जगह राइट मिलता है। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी वेदर एक्वायर्ड और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शी इज फुल ओनर देयर ऑफ एंड नॉट एज ए लिमिटेड ओनर। वो पूरी ओनर होती है, लिमिटेड ओनर नहीं होती है। प्रॉपर्टी मीन्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, इट कैन बी गिफ्ट, इनहेरिटेटेड, पार्टीशन और परचेज, कुछ भी हो सकता है। शी हैज़ राइट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, फादर एट्सेट्रा। शी इज़ फ्री टू ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी एट एनी टाइम। वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकती है और उसके अपने पति और अपने पापा की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार होता है। एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, लाइक सन डॉटर ऑफ ए को पार्टनर विल बी बर्थ बाय बर्थ बिकम ए को पार्टनर। डॉटर भी बाय बर्थ को पार्टनर बन जाती है प्रॉपर्टी में। सो दिस सेक्शन गिव्स इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू बोथ सन एंड डॉटर ऑफ ए को पार्टनर। इसलिए राइट्स के साथ साथ उसकी ड्यूटीज में भी वो को पार्टनर होती है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बहुत ज़्यादा जो वुमेन का स्टेटस है उसको चेंज कर दिया और उनको शुरू से ही बाय बर्थ ही बाय डिफॉल्ट को पार्टनर बना देते हैं, ताकि वो आराम से अपनी लाइफ को जी सके और उसको वही डिग्निफाइड स्टेटस दोबारा से मिल सके। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू डू दिस फॉर एग्जाम। थैंक यू।